नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को दरोगा बनाने वाले एक लाचार पति की कहानी बताने जा रही हूं। पत्नी सब इंस्पेक्टर बनती है और बनते ही सबसे पहला काम वो ये करती है कि थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है और कहती है कि मैं अपने पति के चाल चलन से पसंद नहीं कर रही हूँ। उनका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, वो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। इस तरीके की चीज़ें लिखाकर जो है FIR दर्ज कराने वाली वो जो पत्नी है उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। पति का ये कहना है कि उसने बड़ी मेहनत से जो है वो पत्नी को पढ़ाया, और कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। कहानी जो है वो शामली की है और शामली में एक दरोगा पत्नी की कहानी है। दरअसल ये किस्सा शुरू होता है जब दो लोग, एक लड़का एक लड़की, एक कोचिंग सेंटर में तैयारी किया करते। तो 2019 की बात है, दो कपल या ये कह दे कि दो लड़के, एक लड़का एक लड़की एक कोचिंग में तैयारी किया करते थे। तैयारी के दौरान दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों ने मेहनत की थी, पढ़ाई कर ही रहे थे। इसी बीच 2023 में ये बात जो है वो परिवार वालों के बीच रखी जाती है और शादी जो है वो पक्की हो जाती है। इस बीच इनकी नौकरी लग जाती है, भाई साहब जो है इनकी नौकरी लग जाती है बिजनौर में सेल्स ऑफिसर के रूप में। तो ये नौकरी करने जो है वो बिजनौर चले जाते हैं। इसी बीच पत्नी जो है वो कांस्टेबल का फॉर्म भरती हैं और वो कांस्टेबल बन जाती हैं। कांस्टेबल बनने के बाद इन लोगों ने एक लोन लिया होता है पढ़ाई लिखाई के लिए, वो लोन भी जो है ये भर देती हैं, ये जो अभी मौजूदा दरोगा हैं वो। लेकिन पूरी कहानी ऐसे बनती है कि जब वो कांस्टेबल बनती हैं तब भी उन लोगों के बीच जो दोस्ती थी, जो प्यार था वो बरकरार रहता है। दोनों शादी भी कर चुके हैं अब तक और दोनों का रिलेशन भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन लड़की जो है वो लड़के से कहती है कि क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ इसलिए परिवार को संभालने में, घर परिवार को देखने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो नौकरी छोड़ दो। लड़की के कहने पर लड़का जो है वो नौकरी छोड़ देता है और लड़की जो है वो खुद दरोगा की तैयारी करने लगती है। तो फैमिली सपोर्ट के लिए लड़का जो है वो नौकरी छोड़कर यहाँ अपने गृह जनपद में आ जाता है और घर की देखभाल कर रहा होता है। छोटी मोटी नौकरी भी करता है लेकिन मुख्यतः पूरा ध्यान घर का वही रख रहा होता है। पत्नी दरोगा बन जाती हैं। दरोगा बनते ही जो है उसका रवैया अचानक से बदल जाता है और वो जो है बदतमीजी करने लगती हैं, या उस तरीके से जिस तरीके से पहले वो फैमिली सपोर्ट किया करती थी उस तरीके से वो नहीं करती हैं। अब ये जो पति साहब हैं उनका ये कहना है कि पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है उन्होंने कर्ज लेकर किया था, पत्नी को फुल सपोर्ट किया था। लेकिन पत्नी 2023 में जैसे ही वो उप निरीक्षक बनती उसके 2 महीने बाद से उनका रवैया चाल ढाल सब बदल जाता है। ये सारी शिकायत लेकर जो है वो पति पहले एक लेटर लिखता है, पहले पूरी शिकायत लिखता है और पत्नी के जिस थाने पर उनकी तैनाती होती है उस थाने पर वो लेटर भेज देता है। उस लेटर में यही लिखा होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया, कर्ज लेकर पढ़ाया, पत्नी उप निरीक्षक बनते ही जो है वो अब मेरे से बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इस तरीके की चीज़ें जो है पत्नी ने लिखित रूप से महिला थाना में जाकर यह शिकायत की थी। जो पत्नी है वो अभी संभल में तैनात हैं और ये गढ़ी पुरता थाना क्षेत्र में इन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज की थी। पहली शिकायत पति की तरफ से महिला थाना में की गई, उसके बाद पति की शिकायत का जवाब देने के लिए पत्नी ने जो है उसको थाने बुलाया गया और उसने ये कहा कि सपोर्ट करने की तो कोई बात ही नहीं है, लोन तो इन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए नहीं लिया था, हालांकि इनके ऊपर एक लोन था और उस लोन को मैंने भी अपनी नौकरी से ही जो है वो लोन पूरा किया। मेरी जब नौकरी कांस्टेबल के तौर पर हो गई थी तो मैंने बैंक से लोन लिया और जो ये इन्होंने लोन लिया था उस लोन को पूरा किया। पूरी ईमानदारी से हम दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन पति जो है वो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और कब तक इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया जा सकता है, इसीलिए मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। इस तरीके की बात जो है वो पत्नी ने कही। पति जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आरोप में उनका ये कहना है कि नौकरी लगने के बाद पत्नी का रवैया बदल गया। पहले पत्नी फुल सपोर्टिव थी, उनका सपोर्ट करने का तरीका अलग तरीके का था, लेकिन अब जब से वो दरोगा बन गई हैं तब से उनका व्यवहार जो है वो बदल गया है। लेकिन दरोगा पत्नी ने कहा कि ये सारे आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी पढ़ाई के लिए मेरी पत्नी ने कोई लोन लिया है और ना उन्होंने पढ़ाई में मेरा किसी तरीके से आर्थिक रूप से सपोर्ट किया। पढ़ाई मैंने की है, मेहनत मैंने की है और मेरे अपने दम पर मुझे नौकरी मिली। और रही बात दरोगा बन जाने के बाद मेरे व्यवहार बदलने की, तो शादी जब मेरी तय हुई थी तभी मैंने जो है वो पेपर क्लियर कर दिया था, मेरे नंबर आ चुके थे, बस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस तरीके की बात उन्होंने कही और ये सारी सफाई उनकी तरफ से दी गई है। अब निधि चौधरी जो हैं, जो महिला थाना प्रभारी हैं, उन्होंने इस पूरी कहानी पर क्या अपनी बात कही है वो सुनिए। उन्होंने कहा, एक युवक ने अपनी उप निरीक्षक पत्नी के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था,
क्योंकि अभी यूपी पुलिस की छुट्टी है, इसलिए महिला को 8 नवंबर के बाद बुलाया जाएगा। उसके बाद दोनों की काउंसलिंग की जाएगी और समझने का प्रयास किया जाएगा कि गलती किस तरफ से है। लेकिन पत्नी ने यह साफ कह दिया कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। ऐसा ही कुछ मामला आपने इससे पहले भी देखा होगा, जब ज्योति मौर्या केस सामने आया था, उसमें जो आलोक उनके पति रहते हैं वो सफाई कर्मचारी रहते हैं और उनका ये कहना होता है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पत्नी को इस तरीके की एक महंगी पढ़ाई पढ़ाई, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्थिक सपोर्ट किए, लेकिन ज्योति मौर्या का ये कहना था कि पढ़ाई तो मैंने अपने दम पर की थी, पेपर तो मैंने अपने दम पर निकाला था। इस तरीके की चीज़ें बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये ऐसी कंट्रोवर्सी है ना जिसका समाधान शायद कोई जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील ही दे पाए, क्योंकि दोनों चीज़ों को आप एक तरीके से जोड़ नहीं सकते। मतलब किसी ने मेहनत की, उसे नौकरी मिल गई, नौकरी मिल जाने के बाद अगर, या मिलने से पहले भी अगर किसी दंपत्ति का साथ में जम नहीं रहा है तो वो साथ पूरी ज़िंदगी कैसे ही रह सकता है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम प्यार में या जो है लाइफ में सेटल होने के नाम पर किसी से शादी कर तो लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उसके साथ रह पाएँ या ना रह पाएँ अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि प्यार तक सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारी आपके सिर पर पड़ने लगती है तब आपको प्यार वाला भूत जो है वो उतर जाता है और जिम्मेदारी का एक बोझ आपके सर पर आ जाता है। उसके बाद आप साथ नहीं रह पाते, आपको जिम्मेदारियां ज़्यादा भारी लगने लगती है, फिर आपको अकेले रहना जो है वो अच्छा लगने लगता है। इस तरीके की केसेस बहुत होते हैं और ऐसे में दो पक्ष है जिसका ये कहना है कि जब शादी साथ में की है तो साथ निभाना चाहिए, लेकिन एक पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई रिश्ता है वो फांसी के फंदे की तरह आपको दम दम पल पल घुटाता हो, वो रिश्ता आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। अब ये उपनिरीक्षक के साथ भी हो सकता है, ये दरोगा के साथ भी हो सकता है, ये कांस्टेबल के साथ भी हो सकता है और ये एक हाउसवाइफ के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस केस में इस तरीके की बात सामने आती है कि पत्नी पहले किसी तरीके के आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं थी, उनका प्रोफाइल हाई प्रोफाइल नहीं था और शादी के बाद जब वो हाई प्रोफाइल केस में पहुंच गई, उसके बाद उन्होंने डिवोर्स के बारे में कहा या उसके बाद वो अलग रहने के बारे में कह रही हैं, तो आर्थिक हर्जाना जो है वो लड़की को, लड़के को देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से इस समय लड़का जो है वो कमज़ोर है और लड़की मजबूत है। इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन सोसाइटी में आने चाहिए, इस तरीके के नियम भी बनने चाहिए। ये नियम बिल्कुल हर बार लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो खर्चा भत्ता होता है वो पति दे, पत्नी जो है क्योंकि शोषित है, अबला है, इसलिए उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। हर केस में ये लागू नहीं हो सकता। जिस केस में पत्नियां आर्थिक रूप से संपन्न हो, एक हाई प्रोफाइल चीज़ को मेंटेन करती हो, उस केस में उन्हें पति को जो है वो आर्थिक सपोर्ट देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, कुछ और लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप भी किसी तरीके के रिलेशन में हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, कुछ काम धंधा करती हो। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर लें कि मतलब ज़िंदगी में अगर कभी आप आगे चली जाएं या मैं आगे चली जाऊं तो इन सारे कंडीशन में हम एक दूसरे को कैसे संभाल कर साथ चलेंगे। ये सारी बाउंडिंग, ये सारी बातचीत जो है वो आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।